अगली खबर रामपुर से। बिजली विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन, बिजली की समस्या को लेकर लोगों का गुस्सा फूटा। आक्रोशित लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर वहां नारेबाजी की, धरना दिया, प्रदर्शन किया और बकायदा वहां पर पूरी रोड को जाम कर दिया गया। सड़क पर बैठकर पूरा हंगामा किया गया और इस वजह से वहां पर लंबा जाम लग गया। बिजली की समस्या से परेशान ये लोग जो कह रहे हैं अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इस समस्या का समाधान आला अधिकारियों को, संबंधित अधिकारियों को करना होगा और उनके कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए, अपनी समस्या को पहुंचाने के लिए बिजली विभाग के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन किया गया। तस्वीरें देखिए आपके सामने, देर रात तक किस तरह से रोड पर बैठकर हंगामा किया गया, इस धरने को, इस प्रदर्शन को वहां पर अंजाम दिया गया और जिसके बाद पुलिस की टीम वहां मौके पर पहुंची, इन लोगों से बातचीत करने के साथ ही, इन्हें समझाइश के साथ ही कोशिश की गई रोड पर जो जाम लगा हुआ था उसको खुलवाने की, क्योंकि तमाम जो यात्रीगण लंबे जाम में फंस गए थे उनको दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जिसके बाद बड़ी मुश्किल से फिर इन लोगों को वहां से हटाया गया, लेकिन आक्रोशित लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ ये जो मोर्चा खुला हुआ है, इनका कहना है कि अब इनकी समस्या का समाधान होना चाहिए। धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, पूरा का पूरा रोड इन्होंने उस समय वहां पर जाम कर दिया था, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने वहां पर पहुंचकर मामले को कंट्रोल में लिया। सफदर हसन ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सफदर, क्या मांगे हैं इन लोगों की, बिजली की किस समस्या से ये लोग बार बार परेशान हो रहे हैं, आला अधिकारियों का, संबंधित अधिकारियों का क्या कहना है, क्यों उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है? जी बिल्कुल शिल्पा, देखिए जिस तरीके से मिलक क्षेत्र के लोगों ने रात में बिजली की समस्याओं को लेकर रोड जाम किया था, तो जब रोड जाम करने की सूचना जैसे ही उच्च अधिकारियों को मिली, उन्होंने तत्काल बिजली के अधिकारियों को मौके पर भेजा, क्योंकि जो प्रदर्शनकारी थे उनका कहना था कि जो इतनी गर्मी में भी लाइट जो है 6 से 7 घंटे तक काटी जा रही है, लाइट में भारी कटौती की जा रही है, इसी को लेकर ग्रामीण और जो नगर के लोग थे उन्होंने रोड जाम कर दिया और धरना प्रदर्शन करने लगे। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी की, तो तत्काल जो जिलाधिकारी रामपुर जोगिंदर सिंह है उन्होंने संज्ञान लिया और बिजली अधिकारियों को तुरंत समस्या का समाधान करने के आदेश दिए। उसके बाद फिर इन लोगों का आक्रोश शांत हुआ, इंतजार में है अभी? जी बिल्कुल, उसके बाद जैसे ही डीएम साहब ने इन लोगों को आश्वासन दिया, तब डीएम साहब के आश्वासन के बाद लगभग रात के 1 बजे के आसपास इन लोगों ने धरना समाप्त किया। आधी रात तक धरना प्रदर्शन जारी रहा, वो बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इससे कहीं ना कहीं लगता है कि बिजली विभाग की लापरवाही सामने आ रही थी, तत्काल जिलाधिकारी को खुद संज्ञान लेना पड़ा, उन्होंने बिजली और जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद ये लोग शांत हुए, तब जाकर इन्होंने इस धरने को खत्म किया। बहुत शुक्रिया आपका सफदर हसन इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।